हेलो जी, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सर्दी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मेरी थोड़ी वीडियो भी लेट हो गई है, क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी में कुछ करने का दिल ही नहीं करता है। और यानी कि अब यही होता है कि बंदे को बस हीटर वाले रूम में बैठा रहे और बाहर ही ना निकले रूम से। तो सर्दी क्योंकि बहुत ज़्यादा हर जगह इस वक्त सर्दी यहाँ पर तो आपको पता बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है, तो इस वजह से ज़्यादा सर्दी हो गई है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा सर्दी है। और आज हम शुरुआत करते हैं अपनी पहली वीडियो, मतलब शुरू इस जगह से करेंगे जो आप लोगों को पता है बुल्लर और बुल्लरी का कपल है। तो बुल्लर और बुल्लरी के कपल में जब उनकी शादी नहीं हुई थी तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को उठाया हुआ था, ये बुल्लरी ने होना जो होता है वो बुल्लरी को मैं बहुत प्यार करता हूँ, ये है वो, ऐसे बात बहुत ज़्यादा उसने चिल्लाई हुई थी। तो जैसे ही बुल्लरी उसके मत्थे पर दिखी ये आ गए, तो बुल्लरी को थोड़ा टाइम तो उसने बहुत ज़्यादा मतलब प्यार दिखाया है, उसको अपने साथ वहाँ पे क्या है गांव का खेतों में लेके फिरता रहा है, ये वो किन्नर तोड़ते रहे जिसपे किन्नरों में नज़र भी रखती रही है। उसके बाद जब ये हो गया है कि थोड़ा टाइम जब सारी चीज़ का निकल जाता है तो उसकी इतनी कदर नहीं रहती है, तो ये है वो, वैसे भी उसके सर बहुत ज़्यादा चढ़ने लगी थी, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक ना वो बुल्लर उकता गया बुल्लरी से। और अब जी बुल्लरी की वीडियो जो होती है, जो बुल्लरी ने गलत इंग्लिश बोल दी, इंटरेस्ट कहती रह गया था मेरी वीडियो में, तो फिर मैंने अब इंट्रो डाल दिया। तो पहले तो बुल्लरी जी ने गलत बोल दिया, बुल्लरी जी का इंटरेस्ट कोई रह गया था डालने के लिए, तो मैं भी शायद बुल्लरी है तो बुल्लरी ऐसी हरकतें करती रहती है। तो बच्चों को खासकर वो जो बड़ा भाई इनका बुल्लर्स का बड़ा बुल्लर है, तो बच्चों को लेने के लिए आया हुआ था, पता नहीं कहाँ से क्या ईश्वरी जाने इनकी क्या हरकतें हैं क्या हरकतें नहीं है लोगों की। माँ के घर पहुंची भी है, मुझे बॉस लेने नहीं आ रहा है, उन लोग बिजी हैं, पहले वो उसको भेज के नहीं राजी था, अब वो इसको ले जा के राजी नहीं है। पता नहीं उन्होंने क्या ड्रामे चलाए हुए हैं, क्या ये लोग हरकतें कर रहे हैं कि उसने इसको भेजा हुआ है, उसके पास टाइम नहीं है आने का, यानी कौन कौन से ड्रामे चला रहा है। हकीकत इतने दिखाने का शौक है तो फिर अपनी हकीकत दिखाओ ना, कैसे मैं तुम लोग का चल क्या रहा है। चले खैर बच्चों को कहते तुम लोग दरवाज़ा नहीं खोलना, पेंडेंट जी को पता चल गया है कार के दरवाजे भी कि नहीं खोलते, तो पागल अगर उसने अच्छी वाली कार ली है तो उसमें तो दरवाजे उसके ऑटोमेटिक लॉक हो जाएंगे, तो उसका बाप जब खोलेगा तो दरवाजे खोल सकेंगे ना बच्चे, इसलिए तो उसको कल ये जहाल पेंडू। और कभी चादर उल्टी बिछा लेती है, तो कभी वो कुछ कर देती है। अभी नया इन्होंने काम शुरू किया, क्योंकि थोड़ा सा ना उनको अपना लगता है व्यूज़ कम हो रहे हैं, तो वो ऐसी हरकतें शुरू कर देते जिसकी वजह से उनके व्यूज़ ज़्यादा होने लगते हैं। अब बाहर बिल्लड़ है बहुत बड़ा, तो बिल्लड़ जी ने जी कहा कि अब मैं क्या करूँ, ऐसे तो बोल तो महविश चली गई है, अवल तो महविश गई हुई अपनी माँ के घर। अब वो पता नहीं क्यों गई है, क्या चक्कर है इनका, क्या चक्कर नहीं है, लेकिन वो अपनी माँ के घर तो गई हुई है। अब पीछे से इसने क्या करना शुरू कर दिया जी बिल्डर ने अपने जो वीडियो लगाता है उस पर क्या टाइटल लिखता है, महविश मुझे क्यों छोड़ के चली गई है। तो छोड़ के चली गई तो वाकई भी छोड़ देना, छोड़ के चली गई है, छोड़ के उसने भी नहीं जाना, वो भी मर जाए, उसको छोड़ के जाके कहाँ से बिल्डर दोबारा मिलना है, मतलब जो भी मिलेगा मतलब ऐसा तो नहीं ना होगा कि मतलब उसको भी कोई नहीं मिल रहा था, तुम्हें भी कोई नहीं मिल रहा था, साल दो साल तो तुम लोगों ने एक दूसरे के लगा दिया रिश्ता ढूंढने में, तुम्हें भी रिश्ता नहीं मिल रहा था, उसे भी रिश्ता नहीं मिल रहा था, वो भी बेचारी कुंवारे बैठे थे, तुम भी ऐसे बैठे थे। अब ईश्वरी जाने कुंवारे बैठे थे, ये कहाँ बैठे थे, तुम लोग बैठे थे अपने अपने घरों में तुम लोग। बाकी जी महविश जी पहुँच गई अपनी आंटी हुमैरा चन्ना के घर, तो वहाँ पे वो जो पहुँची हैं और वहाँ पे जाके उन्होंने ये कि इतना बड़ा गुब्बारा जैसा उनका मुँह है, तो वहाँ पे गई हैं, तो उन्होंने कोई उनको बड़ी खौतर कर सा, वो उल्टी जुबान वाला भी गया हुआ था जो मेरा दुश्मन है, जो उल्टी जुबान इस्तेमाल करता है, जिससे जिसकी वजह से मेरी जुबान बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी पिछले दिनों में। ये कि मेरे पास टाइम होता ही नहीं है वीडियोस वगैरह देखने का, सिर्फ मैंने वीडियोस देखनी होती है। दो चार बुल्लर्स हैं, इनकी वीडियोस होती हैं, बिना गर्दन वाला होता ही है कि सबकी नहीं देखती मैं, कि कभी कभी मैंने देख लेनी होती है, ज़्यादा एक बास वगैरह के मैं देख लेती हूँ, बाकी और किसी की वीडियो नहीं मैं देखती यूट्यूब पर, किसी की नहीं, किसी की भी नहीं, एक वीडियो भी मैं नहीं चलाती। मैं यूट्यूब यूज़ ही नहीं करती हूँ ज़्यादातर, ज़्यादा फेसबुक वगैरह यूज़ होता है, टिकटॉक वगैरह यूज़ होता है, तो मैं यूट्यूब यूज़ ही नहीं करती हूँ ज़्यादा ना, बस इनकी वीडियो है मेरा नोटिफिकेशन आ जाता है, इनकी वीडियो अपलोड हुई है तो बस मैं वीडियो देख लेती हूँ। तो ये कि टाइम नहीं होता इतना, तो मैंने ब्लर्स की वीडियो देखी, तो उसमें ना मैं गई हुई है बजी ब्लू उनके घर, तो बड़ा जिसका मुँह है हमारा चन्ना, या फिर मैंने यूट्यूब पे ही होता है क्योंकि मुझे नाज़नीन की देखनी होती है क्योंकि उनकी रेसिपी बहुत ज़्यादा इजी होती है। आप इनके चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, वीडियो को देखा करें, पूरे वॉच किया करें। वीडियो बहुत अच्छी रेसिपी सिखाते हैं और बहुत इजी तरह से सिखाते हैं कि मैं वहाँ से देख लेती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है क्योंकि खाना वगैरह मुझे पकाना खास आता नहीं था। जब मैं यहाँ पे थी कुछ मेरी सास ने मुझे सिखाया है, लेकिन ये है कि वहाँ से जो हमें ईजी लगता है वो सारी रेसिपीज़ जो हमें रोज़ाना ट्राई करनी होती है क्योंकि हम लोग भी पंजाबी हैं तो हम लोग को भी वही खाने खाने होते हैं जो कि वो सिखाती हैं। तो जी अच्छा जी, अगली बार मैं आपसे ये करती खाने से अगली बार मुझे याद है कि मैं अर्चना के घर गई थी, महविश अपने उल्टी ज़बान वाले भैया जी को लेके। तो जो उल्टी ज़बान वाले उनके भैया जी हैं वहाँ पे जाके हमारे अर्चना ने उनके लिए जी नूडल्स तैयार किए थे। जो नूडल्स वो खाती हैं, नूडल्स हैं उनके, नूडल्स जो वो नूडल्स पकाते हैं और जो नूडल्स उन्होंने पकाए थे वहाँ पे वो नूडल्स में पानी पानी था। ये नूडल्स जो है ना, जो मतलब हमारे भी मुल्क में है मिलते, तो ये वाले जो नूडल्स हैं ना, ये नूडल्स पानी सुखा के तैयार होते हैं। तो उन्होंने अंदर इतना इतना पानी छोड़ा हुआ था नूडल्स के, मेरे ख्याल से उन्होंने सुखाया नहीं, उन्हें पकाने नहीं आते थे। वैसे उन्होंने एक अपना अलग चैनल बनाया हुआ है खाने पीने का हमारे चैनल ने, लेकिन उसको खाली नूडल्स ही पकाने नहीं आते। लेकिन बड़ी बात यह है कि वो इतना ज़्यादा, जो उल्टी ज़बान वाला लड़का है जिसकी ज़बान ठीक नहीं लगी हुई, इतना ज़्यादा वो एक्स्ट्रा फ्री हुआ है हमारा चन्ना के साथ। मतलब वो उससे ऐसे प्यार से पेश आता है और उसके पास बैठ के खाता है। पहले तो जाके उसने थोड़ा बहुत फालू वहाँ पे खाया था, पता नहीं अब नूडल्स कहाँ से आ गए। नूडल्स बाद में उन्होंने खाया था, पहले उन्होंने थोड़ा सा फाल खाया था, अमरूद खराबों की ज़बान देखा उसका जिक्र करते ही, अमरूद वगैरह खाए थे। तो वैसे उसने हमारे घोड़े टांगे चलाए हुए थे उस टाइम पे, उसको खाने की तमीज़ भी नहीं है। पेंडू लोग हैं भाई, उनको कहाँ से खाने पीने की तमीज़ आनी है। बस यही हालात हैं इन लोगों के, और तो खास इन लोगों की चीज़ आती ही नहीं है। हाँ, बाकी ये कि अब जी अगला उन्होंने वीडियो में अपने में इतना ज़्यादा उन्होंने शोर मचाया हुआ था जी कि आज हमारे मेहमान आ रहे हैं, मेहमानों के लिए कुछ स्पेशल बन रहा है। जैसे हमारे कुछ मेहमान आते हैं तो हमारे तो 5-6 डिशेस तो नॉर्मल बन ही जाती हैं ना, इससे कम तो होता नहीं है कि घर में इतने बना लेना। बाकी ये कि फ़ास्ट फूड वगैरह हो जाता है वो बाहर से मंगा लेते हैं क्यों मैं इतना नहीं बना सकती हूँ घर में, पिज़्ज़ा वगैरह ऐसी चीज़ें, तो ये कि बाहर से मंगा लेते हैं केक वगैरह, क्योंकि बेकिंग वगैरह मुझसे खास नहीं होती है। खाना मुझे बिल्कुल ही नहीं आता है, जितना आता थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ, इससे ज़्यादा मैं करती हूँ कि मैंने कितनी बार भी कोशिश की है अगर काम करने की, कुछ भी बनाने की, तो वो जल जाता है। यहाँ तक कि मैं चूल्हे पे चीज़ रख के भी अक्सर जला देती होती हूँ, तो गर्म वगैरह करने जाती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा कम यूज़ करती हूँ, माइक्रोवेव वगैरह यूज़ होते हैं ज़्यादा। तो मुझे इतना ज़्यादा है नहीं एक्सपीरियंस खाना वगैरह पकाने का, लेकिन इतना मुझे पता है कि कोई मेहमान वगैरह घर आता है तो उसके लिए कितनी डिशेस होनी चाहिए, मतलब किस हिसाब से उसके लिए हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए। लेकिन अब देखें जी, इन पेंडुओं के घर मेहमान आते हैं जो इन्होंने पूरा दिन अपना शोर मचाया था, आज हमारे घर क्या बना, बहुत स्पेशल चीज़ बनी, आज इनके घर बहुत स्पेशल चीज़ बनती है। मैं इतना ज़्यादा क्यूरियस हो गई थी इस टाइम पर, मैं वीडियो देखने इनकी बैठ गई थी पूरी कि देखें जी इन्होंने क्या स्पेशल, मुझे लगा था 3-4 खाना, जब ये बना रही थी ना, राइस बना रही थी तो मतलब स्पेशल खाना बन रहा था, तो मेरे जहन में तो मतलब इसके अलावा कोई बात आ ही नहीं थी रही कि स्पेशल खाना क्या हो सकता। स्पेशल खाना मुझे था चिकन होगा, कोई मटन वगैरह होगा, तो ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ वेजिटेबल वाले राइस बनाए उन्होंने। पूरा दिन ड्रामा किया महविश आंटी ने, पूरे ज़्यादा बिल्ली जी ने, प्याज काटे, टमाटर काटे, एक चीज़ उन्होंने पूरी वीडियोज़ में दिखाई गई। ये देखें और मेरा गला भी ख़राब हुआ क्योंकि हम मौसम बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है, तो कुछ बेहतियाती हुई थी, बाहर वगैरह फिरने के लिए मैं गई थी तो ज़्यादा अपने आप को कवर नहीं किया था, जैसे थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब हुई है। तो इस बात को आप इग्नोर करें, मेरी खांसी को, मेरी बातों पे आप गौर करें, मेरी बातें सुनने वाली हैं आपके। तो मतलब इतना ज़्यादा स्पेशल उन्होंने राइस बनाए थे कि मैं तो हैरान ही रह गई जब उन्होंने सारा अपना कबीला इकट्ठा किया और बैठ के जाके खाना शुरू कर दिया। जी वैसे वादे आ रही थी सारी जगह से, मतलब ये उनका ख़ास चीज़ें हैं। बाकी आप लोगों को जैसे जैसे मैं उनकी वीडियोस देखती जाती हूँ, आप लोगों को मैं उनकी वीडियोस, उनकी हरकतें वगैरह बताती रहूँगी ताकि आप लोगों को पता चलना चाहिए कि दुनिया में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं, नमूने अजूबे, और इन अजूबों की भी ज़िंदगी गुजरी है। तो हमें उनको देख के थोड़ा सा अपने आप को, मतलब क्या उसको कहते हैं, जो भी है वो अपने आप को करना चाहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलूँगी आपको।